सिर्फ वो जो यादें याद आती है, सिर्फ यादें ही और कुछ नहीं। शहनाज को, सिड के परिवार को आपकी सख्त ज़रूरत है गॉड, और सिड के लिए तो शॉकिंग है। मुझे तो शहनाज की बहुत फिक्र हो रही है, उसकी ज़िंदगी में हंसी खुशी सिर्फ सिड था। दुनिया वाले, फैंस, सब लोग शहनाज को संभाल ले। और गॉड को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि गॉड, जिस तरह मेरा दिल टूटा था आपने मुझे संभाला था। शहनाज को, सिड के परिवार को आपकी सख्त ज़रूरत है गॉड, बी देयर विथ देम। कभी किसी को ऊंची आवाज़ से बात नहीं की होगी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा। इतनी अच्छी माँ का इतना अच्छा बेटा था। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं, मेरे जिम के हम साथ में वर्कआउट करते थे। मैंने दुनिया से कहा था कि सिड को वोट करो जब वो बिग बॉस में गए थे, और वो जीत गया तो बहुत खुशी हुई थी। वाई इज़ अ रियल विनर, सिर्फ बिग बॉस में नहीं, उन्हें उस सिड ने बहुत सारे लोगों के दिल जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसने कभी किसी का दिल दुखाया होगा। आई रिमेम्बर हिम। दो दिन तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, मुझे मेरी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन मैं नहीं लेकर गई। मतलब इतना दर्द ले जो बता नहीं सकते। आखिरी बार कब मिले थे आप? अभी लॉकडाउन के बाद? मैं लॉकडाउन के बाद नहीं मिली थी, मैं बिग बॉस में ही मिली थी जब वो हमारे सीजन में आए। हाँ। मेरे तो हम एक दूसरे को तो 15-20 साल से जानते हैं। मैं आखिरी बार नहीं मिली थी, पता नहीं था ना, किसको क्या मालूम था, सबका बिजी शेड्यूल रहता है ना। मेरा भी शेड्यूल बिजी था। राइट, थैंक यू। आखिरी बार मुझे मिलने नहीं मिला, वही सिर्फ वो जो यादें याद आती है, सिर्फ यादें ही और कुछ नहीं है। सॉरी, थैंक यू। सिर्फ यादें ही।